السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. मेरे भाइयों, दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना और उसकी हसीन रातें और उसकी प्यारी इबादतें, जिसके चलचलाव का वक्त करीब आ चुका है। अब हम इस महीने को, अल्लाह के इस मेहमान को रुख्सत करने जा रहे हैं। ये मुबारक महीना जो मग़फ़रत का महीना है, रहमत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है, ये लपेट लिया जाएगा। कुरान, तक्वा, सब्र के मुबारक महीने को हम रुख्सत करने जा रहे हैं। इस महीने के पहले जुमे को हम आपको खुशामदीद कह रहे थे और इस माह मुबारक को भी खुशामदीद कह रहे थे कि मुबारक महीना जिसमें इंसान अपने आप को बना लेता है, अपने आप को सजा लेता है, संवार लेता है, अपने आप को खुशनसीब बना लेता है, हम आपको उसकी बशारत सुना रहे थे। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह का ये मेहमान हमसे रुख्सत होने जा रहा है। कल कह रहे थे खुश आमदीद, लेकिन आज कह रहा हूं, ऐ अल्लाह का मुबारक मेहमान, तुम पर सलामती हो। रमजान का महीना, तुम पर सलामती हो। तिलावत कुरान का महीना, तुम पर सलामती हो। सियाम क़याम का महीना, तुम पर सलामती हो। बरकत एहसान का महीना, तुम पर सलामती हो। तहज्जुद और तरावी का महीना, तुम पर सलामती हो। मालूम नहीं कि आइंदा साल इस महीने से मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये हमें नहीं मालूम। इसके अय्याम तो लौटेंगे, लेकिन हम और आप रहेंगे या नहीं, ये अल्लाह ही को मालूम। रमजान का महीना बहुत तेजी से गुजर गया, आंख झपकते ये महीना अपने अख्तिताम को पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। मालूम नहीं किसकी मग़फ़रत हुई, किसकी मग़फ़रत नहीं हुई। ये भी मालूम नहीं किसकी इबादतें अल्लाह ने कबूल कर ली हैं और किसकी इबादतें अल्लाह ने रद्द कर दी हैं। मेरे भाइयों, जब हम इस मुबारक महीने को रुख्सत करने जा रहे हैं तो हमें अफसोस पर, हमें जुदाई पर आंखों से आंसू निकलना चाहिए कि अल्लाह का यह मुबारक महीना, अल्लाह का यह मुबारक मेहमान हमसे और आपसे रुख्सत होने जा रहा है। अल्लाहु अकबर। ऐसा महीना था जिसमें जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, शयातीन को कैद बंद कर दिया गया था ताकि हमारी इबादत को खराब ना करें। अहले ईमान, अहले तक्वा इस महीने को रुख्सत करते हुए आंसू बहाते हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसी मुबारक घड़ियां हमसे और आपसे रुख्सत होने जा रही हैं। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको इस माह मुबारक में मकबूल फरमाए, मकबूलीन में शामिल फरमाए। हमें और आप सबको अल्लाह सुभान व तआला मुआफ़ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। मेरे भाइयों, असलाफ किराम इस महीने के गुजरने पर आंसू बहाते थे। अली रजी अल्लाह अन्हु रमजान की आखिरी रात में आवाज लगाते, या लैत शअरी मिन अल मकबूल फनुहन्नी व मिन अल महरूम फनुअज़्ज़ी। या लैत शअरी, हाय अफसोस, हम में से कौन मकबूल है कि उसे मुबारकबादी पेश की जाए और कौन महरूम है कि उसकी ताज़ियत की जाए। नाम वल्लाह,
बिल्कुल कसम अल्लाह की, हमें नहीं मालूम कौन हम में से मकबूल होगा और कौन मतरूद होगा, किसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया, किसको करीब कर दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, मन हाजल मकबूल मिन्ना फनुहन्नी और मन हाजल महरूम मिन्ना फनुअज्जी, हम में से कौन मकबूल है कि उसकी मुबारकबादी पेश करें, कौन हम में से महरूम है कि उसकी ताजियत करें। ए मकबूल, आपके लिए मुबारकबादी है। ए मरदूद, जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से रद्द कर दिया, अल्लाह ताला आपकी मुसीबत को कम करे और आप वापस पलटिए। मरहबा अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ईदुल फित्र के दिन अपने खुतबे में कहते हैं, ए लोगो, तुमने अल्लाह के लिए 30 रोजे रखे, 30 रातें क्याम की, और आज तुम अल्लाह से तलब करते हो कि अल्लाह तुम्हारी इबादत मकबूल कर ले, मकबूल मंजूर फरमा दे। बासलफ उन पर गम और परेशानी के आसार नजर आते थे। जी ईद का दिन खुशी का दिन है, लेकिन अल्लाह के इस मेहमान के जाने पर हम लोगों को गम है। वहां बिन वर्द ने कुछ लोगों को ईद के दिन देखा, हंसते हुए ठट्टा मारते हुए देखा, क्या फरमाया कि अगर इन लोगों के रोजे को अल्लाह ने कबूल कर लिया, इन लोगों के रोजों को अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो ये शुक्र गुजारों का अमल ऐसा नहीं होता। और अगर मकबूल नहीं हुई इबादतें, रोजे मकबूल नहीं हुए, तो डरने वालों का फेल ऐसा नहीं होता। हसन बसरी ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने रमजान के महीने को एक दूसरे के साथ वाहम सबकत करने वाला बनाया है। लोग अल्लाह की इताअत करके अल्लाह की खुशनूदी की तरफ सबकत करते हैं। एक कौम कामयाब होती है और दूसरी कौम नाकाम होती है। वो लोग जो आज के दिन हंसते हैं, उनको चाहिए था कि अपने हालात पर, अपनी इबादत पर गौर करते। इसलिए मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी नसीहत हासिल करे और अपने अंदर जरूर पाए कि जब अल्लाह हमारी इबादतों को मकबूल मंजूर फरमाता है, कबूल करता है, तो उसकी कुछ अलामतें पाई जाती है। इंसान की जिंदगी में कुछ अलामतें पाई जाती हैं। क्या वो अलामतें हमारे अंदर पाई जा रही हैं? मेरे भाइयों, ये बात इंशाल्लाह बाद में होगी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रमजान के इख्तिताम पर, रमजान के गुजरने पर अल्लाह ने कुछ इबादतें मशरू की हैं, अल्लाह ने कुछ इबादतों का हुक्म दिया है। उनमें से एक है कसरत इस्तिग़फ़ार। और कुरान सुन्नत के मुताले से ये बात भी मालूम होती है कि हर इबादत के इख्तिताम पर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। क्यों? इसलिए कि जो हमसे कमी और कोताही हुई है, अल्लाह उसे दरगुजर फरमा दे। क्या आपने गौर नहीं किया, हज के इख्तिताम पर, हज के इख्तिताम पर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया, सुम्मा फ़िज़ु मिन हैसु अफ़ादुन नास वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाहा ग़फूरुर रहीम, सूरह बकरा आयत नंबर 199। नमाज के इख्तिताम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम, और उससे पहले पढ़ते हैं 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। रात को क़याम करने के बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस्तग़फार करने का हुक्म दिया है। क्या फरमाया, वबिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, सुहूर के वक्त में नेक लोग अल्लाह से इस्तग़फार करते हैं। यहां तक कि जिंदगी के इख्तिताम पर, मौत के करीब, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। क्या फरमाया, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह व रायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। और इसलिए इख्तिताम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात के आखिरी अय्याम में इस्तिग़फ़ार किया करते थे। किस तरह पढ़ते, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा अग़फिरली। मेरे भाइयों, कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए और आम हालात में, आम दिनों में भी इस्तिग़फ़ार को अपनी जुबान पर जारी रखिए। आपको नहीं मालूम है कि अल्लाह सुभानहू व तआला किस घड़ी में आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लेगा। इसीलिए इबलीस के बारे में आया है, उसने कहा कि मैंने लोगों को गुनाहों से हिलाक किया और उन्होंने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार से हिलाक किया है। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, हमेशा हम लोगों को चाहिए
इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें और दिल से इस्तिग़फ़ार करें, सिर्फ ज़ुबान पर ना हो। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस्तिग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा अभी से एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें। दूसरा अमल जो रमज़ान के अख्तिताम पर है, क्या कि ईद का चांद निकलते ही ईद की नमाज पढ़ते ही, ईद के चांद निकलते ही ईद के नमाज की अदायगी के वक्त तक हम और आप तकबीर कहते रहें। और इसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से नवाजा, इस पर अल्लाह की बड़ाई करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये कब पढ़ेंगे? ईद का चांद निकलने से लेकर नमाज अदा करने तक। तीसरा हुक्म अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जिस अमल का दिया है वो ज़कात फितर है, फितराना है, फितरा है, ज़कात फितर है, सदक़तुल फितर है। इसकी अदायगी 27 रमज़ान के बाद से लेकर ईद की नमाज पढ़ने से पहले तक अदा हो जानी चाहिए। तो अफजल वक्त है ईद का चांद, देखिए अब जाकर पहुँचाइए। और एक या दो दिन पहले भी सहाबा इकराम से फितरा निकालना साबित है। गल्ला निकालिएगा, गरीबों तक गल्ला पहुंचाइएगा। और 27 रमजान के बाद शुरू रमजान से नहीं, एक सा गल्ला 2.5 किलो होता है चावल वगैरह, गरीब तक पहुंचा दीजिए। इसमें पैसे देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, असलाफ़े किराम का तरीका नहीं रहा है। चौथा अमल जो रमजान के अख्तिताम पर हमें और आपको बजा लाना चाहिए वो ईद की नमाज है, जिस पर हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह कल होगी कि ईद की नमाज लॉकडाउन में कैसे अदा करें। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए खुशी की बात है, अल्लाह के लिए शुक्र है, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाना है कि हम और आप ईद की नमाज अदा करें। चलिए पांचवा अमल के ईद गुजरते ही हमें और आपको शव्वाल में 6 रोजा रखना चाहिए, शव्वाल में 6 रोजा रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सौम रमजान थुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियाम अद्दहर, जो रमजान का रोजा रख ले और रमजान के बाद 6 रोजे रख ले शव्वाल में, तो उसे साल भर के रोजे का सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए ये चंद अमाल बजा लाएं। और एक तंबी और कर दूं कि हमारे यहाँ एक तसव्वुर यह है कि अलविदा आज के दिन को कहा जाता है, जो जुमा का दिन है, रमजान का आखिरी जुमा, उसको लोग अलविदा कहते हैं, उसके लिए स्पेशल लिबास पहनते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आम दिनों में, अभी तो खैर लॉकडाउन है, दूर दूर की मस्जिदों का सफर करते हैं। मेरे भाइयों, ये सब गैर मशरू है, ये सब इस्लाम में साबित नहीं है। रमजान की आखिरी जुमा, उसमें हमें और आपको चाहिए अल्लाह की इबादत करें, लेकिन अपनी तरफ से ये सब आमाल बजा लाना इस्लाम में बिदात खुराफात के मुतरादिफ है। हमें और आपको इससे परहेज करना चाहिए। इसके लिए स्पेशल लिबास पहनना, स्पेशल तरीके से दूर वाली जामे मस्जिद में जाना, फिर उसके बाद एक अहम जज्बा दिल में रखना, ये मेरे भाइयों ये तसव्वुरात इस्लाम की रोशनी में सही नहीं है। आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अल्लाह की नज़र में इस माह मुबारक में मकबूल हैं या मरदूद हैं, उसके लिए कुछ अलामतें उलमा ने बताई हैं। उन अलामतों से पहली अलामत यह है, अगर ये अलामत आपके अंदर हो तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपकी इबादत को कबूल कर लिया, और अगर ये अलामत नहीं है तो समझ लीजिए कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लीजिए, मुआफ़ी मांगिए और अपने आप को मकबूलीन में शामिल कर लीजिए। पहला अमल यह है जिसके जरिए आप अपने आप को तलाश करें, ढूंढें, अपने अंदर झांक कर देखें कि आपकी इबादत मकबूल हुई कि नहीं हुई। पहली अलामत यह है कि इतनी सारी ताते बजा लाने के बाद गुनाहों की तरफ न पलटिए। अगर गुनाहों की तरफ पलट गए, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपकी इबादत को कबूल नहीं किया। यहया बिन मुआज कहते हैं कि जो आदमी जुबान से इस्तिग़फ़ार करे और उसका दिल मासियत पर बरकरार हो, ज़ाहरी तौर पर इबादत बजा लाए और फिर उसके बाद बुराइयों की तरफ पलट आए, तो फिर याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसे आदमी के आमाल अल्लाह की नज़र मकबूल नहीं हुए, अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को मकबूल नहीं किया, मंजूर नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमें और आपको यह भी डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी इबादत को रद्द कर दे, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारी इबादत और ताअत से बेनियाज है। अल्लाह ने फरमाया, मन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिह वमन कफरा फइन्नल्लाहा गनीयुन हमीद, जो शुक्रगुजारी करेगा वो अपने लिए करेगा और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह ताला बेनियाज है, काबिल तारीफ है।
तो मेरे भाइयों, हमने मुख्तलिफ किस्म की इबादतें बजा लाई हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रद्द कर दे, कबूल ना करे। जैसा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आया है, वो फरमाती हैं कि मैंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के बारे में, वल्लज़ीना यूतूना मा आता व कुलूबुहुम वजिला, जो लोग अल्लाह के दिए हुए पर देते हैं, खर्च करते हैं, और उनका दिल कांप रहा होता है, क्या वो लोग शराब पीने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक की बेटी, ये वो लोग हैं जो रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका तो खैरात करते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह उनकी इबादत को रद्द न कर दे। यही वो लोग हैं जो नेकियों में सबकत करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरना भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इबादतें रद्द न कर दी जाएं। तीसरी बात, नेक आमाल के बाद नेक आमाल बजा लाना और इसकी तौफीक मिल जाना, ये सआदत और कबूलियत की अलामत है। हमें और आपको चाहिए कि नेक अमल के बाद नेक अमल कर लें। इसलिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने नेक बंदों को और तमाम बंदों को चेक करने के लिए शव्वाल में 6 रोजे रखने का हुक्म दिया है। गर्चे वो सुन्नत है, लेकिन ये चेक है कि रमजान के रोजे ने आपकी जिंदगी को मुतासिर किया या नहीं किया। जो दरख्त लगाया था वो फलावर है कि नहीं, फलदार है या नहीं है। चौथा अमल या चौथी अलामत, हमें और आपको चाहिए अपने अमल को कमतर समझें, तकब्बुर ना करें, उस पर फख्र गुरूर ना करें। बाज़ लोगों के नज़दीक ये बात दिल में होती है कि जी हमने इतनी इबादतें करके अपने गुनाह माफ करा लिए, अब नई जिंदगी का आगाज हम बुराई से करेंगे। नहीं मेरे भाई, अल्लाह जिसके अमल को कबूल करता है वह अपने अमल को मामूली और छोटा समझता है और उस पर उज्ब नहीं करता, उस पर फख्र गुरूर नहीं करता है। नेक इंसान हमेशा अपने बड़े से बड़े अमल को छोटा समझता है ताकि अल्लाह सुबहान व ताला उसको कबूल कर ले। और इसी का हुक्म अल्लाह सुबहान व ताला ने अपने कुरान पाक में दिया है। पांचवी अलामत यह है कि इंसान नेकियों को पसंद करे, कार्य इताअत को पसंद करे और नाफरमानी को नापसंद फरमाए, नापसंद करे। और इसीलिए हमेशा नेक लोग अल्लाह के जिक्र को करने पर मोहब्बत करते हैं, उसे पसंद करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीन आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कबूलियत की अलामत यह है कि अल्लाह ताला आपके दिल में कार्य इताअत को पसंद कर दे, उस आपके दिल में कार्य इताअत को डाल दे। इसीलिए दुआ वारिद है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-ईमान व ज़य्यिनहु फी कुलूबिना व करह इलैना अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इस्यान, अल्लाहुम्मा ज़अलना मिनर राशिदीन। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में ईमान को डाल दे, ईमान को महबूब बना दे और दिल में उसको मुजय्यन कर दे, और हमें कुफ्र को, शिर्क को और बुराइयों को सब को नापसंद कर दे। ऐ अल्लाह, ये हमारी दुआ है और अल्लाह ताला इसको शरफ कबूलियत से नवाजे। लिहाजा नेक इंसान तमाम बुराइयों को नापसंद करता है, और हमें और आपको चाहिए कि तमाम बुराइयों को नापसंद करें, नेकियों से मोहब्बत करके अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसको बजा लाते रहें। छठी अलामत यह है, अल्लाह से उम्मीद लगाइए और कसरत से दुआ कीजिए। जी, ना उम्मीद मत होइए, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमने जो इबादतें की हैं शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे और मजीद आइंदा हमें तौफीक देता रहा। इसलिए कि इंसान जब ना उम्मीद हो जाता है तो बहुत सी नेक इबादत से, नेक अमाल से वो दूर होता चला जाता है, और कबूलियत की उम्मीद और रद्द होने का खौफ ये इंसान को तवाज़ो, खुशू का वारिस बना देता है। उसका ईमान इजाफा होता रहता है, उसका ईमान ज्यादा होता है, और इंसान जब अल्लाह के सामने हाथ उठाकर उसकी कबूलियत की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को, उसके अमाल को कबूल फरमाता है। इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा बना रहे थे, बनाते जा रहे थे और दुआ करते जा रहे थे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे भाइयों, बाज़ सलाफ किराम के बारे में आया है कि रमजान को पाने के लिए 6 माह पहले से दुआ करते और जब रमजान पा लेते उसके बाद कई माह, तकरीबन 5-6 माह उसकी कबूलियत की दुआ किया करते थे। और हमेशा कार्य इताअत से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह ताला से तौफीक मांगिए, और मुसीबतों से और मासियतों से दूर रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मासियत हमसे दूर हो जाए, और मुसीबत अगर आए तो हम उस पर सब्र करें, और ये अल्लाह की तरफ से बशारत है। आठवीं अलामत यह है कि नेक लोगों से मोहब्बत कीजिए और जो अहले मासी हैं उनसे बुग्ज रखिए। इसी बना पर याद रखिए कि सबसे मजबूत कड़ी यह है कि आदमी अल्लाह के लिए मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए
आदमी बुग्ज अदावत रखे, किन लोगों से मोहब्बत करे, नेक लोगों से, किन लोगों से बुग्ज रखे दिल में, अहले शिर्क से, अहले कुफर से, अहले बुराई से, ये अलग बात है कि हम उनको दावत देंगे ताकि बेइज़्निल्लाह ताला हम उनको दीन से करीब कर सकें। और दसवीं अलामत यह है कि नेक आमाल पर हमेशा मुदावमत बरतिए, जिंदगी को नेक आमाल से भर दीजिए। यह हमारे लिए तोशा है, यह हमारे लिए हथियार है, मुसीबतों के दूर करने का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अमाल इलल्लाह अदवामुहा व इन कल, अल्लाह को सबसे महबूब वो अमल है जो कम हो लेकिन हमेशा हो। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह सुभान व तआला हम सब की सारी इबादत को मकबूल मंजूर फरमाए। अभी भी हम सच्ची तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, जुबान पर इस्तिग़फ़ार हो, दिल में नदामत हो, उन गुनाहों को छोड़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है, और जो लोग अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं, अगर वो थोड़ा बढ़ते हैं तो अल्लाह ज्यादा आता है उसकी तरफ, जो चल कर जाते हैं अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। हमें और आपको चाहिए कि सबसे ज्यादा तौहीद को पसंद करें, उसकी जानकारी लें और शिर्क से नफरत करें और उससे दूर हो जाएं। और यही वजह है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने तौहीद और इस्तिग़फ़ार को जमा कर दिया कुरान की आयत में, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात और तकलीफों को दूर करने में सबसे बड़ा अहम रोल है तौहीद का और इस्तिग़फ़ार का। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म हासिल कीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पर आपने गौर नहीं किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तो पाक है मैं ज़ालिमों में से हो गया हूँ। कसरत से अल्लाह की इताअत कीजिए, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कीजिए, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ल शैइन क़दीर पढ़ा कीजिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला अपने बंदे की गिरियाउज़ारी, आजजी, इनके सारी को पसंद करता है बेइज़्निल्लाह ताला। बाकी बातें कल होंगी ईद के मौजू पर, और ईद के नमाज ईद का तरीका क्या है इस पर हमारी गुफ्तगू कल होगी। अल्लाह हम सबको मकबूलीन में शामिल फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बारी ताला जब तक दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर कायम रख, और इस माह मुबारक में हम सब के मुश्किलात से नजात दे, और इस वबा को दूर कर दे। और बारी ताला कल जो अय्याम आने वाले हैं ईद के, अल्लाह ताला उसमें हम तमाम लोगों को पूरा पूरा बदला दे, पूरी पूरी मजदूरी दे दे, और पूरी ज़िंदगी इस्तिकामत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।